हेलो दोस्त, मैं हूँ रश्मि। आपका हमारे चैनल उमंग कुकिंग बाय रश्मि में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी इसी तरीके की सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लगातार देखें। आइए हम शुरू करते हैं आलू और टमाटर की सब्जी बनाना। इसके लिए हमने चार आलू ली है, चार टमाटर, थोड़ी सी हरी धनिया और पांच हरा मिर्च और ये गांठ लहसुन लिया है। ये आलू को मैंने छील कर इस तरीके से कट कर लिया छोटे छोटे टुकड़े में। ये लहसुन को मैंने छील कर कट कर लिया है। टमाटर को मैंने कट कर लिया है और हरे मिर्च को भी कट कर लिया और धनिया को भी काट लिया। यहाँ पर मैंने तेल 50 ग्राम डाल दिया। हमारा तेल गर्म हो गया है, अब हम लहसुन डालेंगे। अब यहाँ पर हम 200 ग्राम तक पानी डालेंगे। अब हम ढक्कन लगाकर सब्जी को पकाएंगे। आइए हम अपनी सब्जी को खोलकर देखते हैं। और देखते हैं अब हमारी आलू हुई है कि नहीं। ये हमारी आलू खूब बढ़िया तरीके से पक गई है। और इसमें अब हम हरी धनिया डालेंगे। और इसको इस तरीके से चला देंगे और इसे 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। आइए हम अब सब्जी को खोलकर देखते हैं। ये हमारी सब्जी पूरी तरीके से पककर तैयार हो गई। अब इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। अब सब्जी को हम इस बर्तन में निकाल लेंगे। ये हमारी सब्जी बन गई है। अब इसमें हम ऊपर से हरी धनिया डाल दे रहे हैं। ये हमारी सब्जी पूरी तरीके से बनकर तैयार है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।